Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. Hi everyone, myself Arjay Sindhu from Fever 104 FM Mumbai. और सबसे पहले इस लाइव सेशन का, इस जूम रिकॉर्डिंग सेशन का बड़े दिल से इंतजार कर रहे थे. फाइनली आप लोग से मुलाकात होगी, मिलके बड़ा अच्छा लगा. संजय लाल सिंह कहाँ हो भैया, कहाँ हाल चाल हो? एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं आपसे? जी भैया बिल्कुल पूछे. नाम है सिद्धू. सिद्धू मैं पूछने वाली थी. नाम है सिद्धू भाई. आई एम अ फैन. बहुत बहुत शुक्रिया. और आप लोगों के फैन हो गए भैया, ट्रेलर झांकने के बाद से लेकर तब से लेकर अब तक. और यीशु भैया आपका हाथ कटा ना जिस दिन, तो उस दिन से कलेजे में इतना ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है कि क्या बताएं. बट आई एम सो ग्लैड फाइनली आई गॉट अ चांस टू इंटरेक्ट विद यू गाइस एंड इट इज सो अमेजिंग टू सी द ट्रेलर. मिस्टर देवांशु वर्मा, आई वुड लव टू कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस थिंग. द ट्रेलर इज सो 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 अमेजिंग एंड दैट इज सो क्लोज टू मी बिकॉज आपने दो ऐसे राज्यों के बारे में बात किया जिनसे मेरा बहुत गहरा जुड़ाव है. सबसे पहले बिहार की बात करी है. संजय राज सिंह कहो भैया, कैसन हवा? बहुत बढ़िया बा, कैसन बा? अरे हम तो एकदम लल्लन टाप है भैया, तो भेज भाई बहुत नीक लगा था. और छोरी अदिति हारो खाई हाल चाल से? I don't know how to answer because आपका जो किरदार है वो जयपुर से दिखाया गया है and I have been in Jaipur for good 17 years. मेरी primary study से till my first job as a radio jockey, I have been in Jaipur. So yes, I have a very huge connection with that city and Bihar से इसलिए थोड़ा सा संपर्क क्षेत्र में आ जाते हैं क्योंकि basically I belong to Uttar Pradesh, but yes, the language, the dialect of Bihar and Uttar Pradesh is very similar. So let's start with trailer. हमने देखा बहुत मजेदार है. शुरुआत ही आप लोग की रैगिंग से होती है. आप वहां पे पढ़ने के आ जाते हैं और आपको लड़की को प्रपोज करने भेज दिया जाता है. जरा संजय लाल सिंह के किरदार के बारे में तरह समझाइएगा तो हमको. संजय लाल सिंह जो है वो बहुत ही एक जहानाबाद से आते हैं, बिहार से, बहुत ही सिंपल फैमिली से आते हैं और एक सो कॉल्ड क्विंटेसेंशियल गाय नेक्स्ट डोर जिसे कहा जा सकता है, ये वो है. ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इनकी जिंदगी में. मतलब फैमिली है, मतलब माँ बाप है, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन अपना फ्यूचर परस्यू करने के लिए शहर चले जाते हैं और वहां पे कॉलेज के पहले ही दिन सीनियर्स उनको रैग करते करते इनके पास भेज देते हैं. बस फिर जिंदगी का मकसद बदल जाता है इनसे मिलते. और बाकी तो मतलब ट्रेलर में आपने देखा ही होगा कि क्या होता है. बिल्कुल, आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपका लौंडा इनकी लड़की को छेड़े, इसलिए आप उनको उनका भाई बना देना चाहते हैं. तो देख के हमें फील हुआ ही पकड़ लेते एकदम. मतलब गर्दा उड़ाए वाला सीन दिखाए हैं आप. मिस्टर देवांशु, आई जस्ट वॉन्ट टू नो वाई 14 फेरे. लोग साफ करने के बाद ही, मतलब फेर लेने के बाद कई लोग हाथ जोड़ लेते हैं. कई किस्मत वाले थे जिनकी 14 21 और न जाने कितनी लग जाती है. लेकिन ये 14 फेरे, ये थॉट, ये कॉन्सेप्ट, ये कहां से आया? ये एक्चुअली इसका सारा क्रेडिट जाता है मनोज कलवानी को, जो इस फिल्म के राइटर हैं, इकलौते राइटर जिन्होंने आइडिया, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ लिखा. लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन एंड ऑन बिहाफ ऑफ मनोज, हु इज अ डियर फ्रेंड लाइक अ यंगर ब्रदर, ये एक्चुअली 14 फेरे इसलिए नहीं क्योंकि भसड़ बनानी, इसलिए नहीं क्योंकि कहानी को एक प्लॉट चाहिए, ट्विस्ट चाहिए, टर्न चाहिए, क्योंकि किरदार जो है दोनों, संजय और अदिति, जो बॉय नेक्स्ट डोर, गर्ल नेक्स्ट डोर की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत प्यारे लोग हैं और ये घर को समेट के चलना चाहते हैं, अपनों को साथ लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि भागना आसान है, निभाना मुश्किल. इन लोगों ने निभाने की बात है और उस वजह से आग का दरिया है और डूब के जाना है, क्योंकि इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए. तो 14 संजय अदिति इतने प्यारे हैं और ये परिवार को साथ लेके चलने वाले लोग हैं. और आजकल की फिल्मों में आप देखो, मतलब अभी ट्रेलर देख के मुझे दोस्त यार या परिवार या बाकी लोग मैसेज करके यही कह रहे हैं कि ऐसी फिल्में बहुत वक्त से आई नहीं थी जो साफ सुथरी थी, जो टिपिकली बॉय नेक्स्ट डोर, गर्ल नेक्स्ट डोर की कहानी हो, प्यार, सभ्यता, कल्चर्स की कहानी हो. आप कल्चर का मजाक नहीं उड़ा रहे, आप कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे हैं. और शादी के बीच में, एक शादी में जो प्यार, मोहब्बत, झगड़े, लड़ाई, हंसना, रूठना, मनाना होता है, गाने होते हैं, वो सारी चीजें आपने 2x डबल करके पैक कर दिया है. तो ये मेरा गुड लक था कि मुझे ये कहानी मिली, मेरा गुड लक था कि मुझे ऐसे दो एक्टर्स मिले और ऐसी टीम मिली, प्रोड्यूसर्स मिले, कि हम आपके सामने लॉकडाउन में भी शादी की कहानी बना पाए. ये बहुत बढ़िया संजोग है भाई, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी लीडिंग दिस फ्रॉम द फ्रंट.
एंड ये देख के हमें बहुत मजा आया। जैसा भी अभी अभी आपने मेंशन किया कि एक आग का दरिया है डूब के जाना है, वैसे हमारा भी प्यार के मामले में ये मानना है कि प्यार मोहब्बत का लफड़ा बड़ा भयंकर। हाथ जोड़ के अपन तो बोले जय शिव शंकर ऑल्दो मेरी खुद की लव मैरिज है, बट देन ऑल्सो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्यार में बड़े सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। और ये पापड़ बेलने का जो हमने पूरा सीन है वो ट्रेलर में तो देख लिया है, अब सभी तो अभी नहीं जान लेंगे क्योंकि इसके लिए फिर पिक्चर देखना पड़ेगा जो कि बीच में मेंशन किया जाता है। बट अदिति से हम जानना चाहते हैं कि अदिति, क्योंकि शुरुआत में आपने जो ट्रेलर की ओपनिंग होती है उसमें ये आपको सीधा ही बोल देते हैं कि हमें तो आपको प्रपोज करने के लिए भेजा गया, सीनियर ने भेजा, कभी आपने अपने किसी जूनियर का इन योर कॉलेज टाइम हैव यू एवर रैग्ड एनीवन? मतलब मैंने रैगिंग नहीं करी है, मैं अच्छी इंसान हूँ। अच्छे इंसान और कॉलेज के चुनाव में थोड़ा फर्क आ जाता है। तंग किया है मैंने लोगों को, मैं ये बोलूंगी, मैं रैगिंग नहीं बोल सकते आप उसको, आई वाज अ स्ट्रिक्ट लीडर। अच्छा, कभी आप रैगिंग के शिकार हुए हैं खुद? आई थिंक लोगों की बहुत फटती है मेरे से, कोई मुझे रैग करके राजी नहीं है। उस सीन में पहला टेक ओके हो गया था सिद्धू भाई, फिर ये मजे ले रही थी क्योंकि मुझे चाहिए होते ऑप्शंस, बट टेक वन ओके हो गया था, वो ऐसे नेचुरली आ रहा था, नाम क्या है क्या करके दिखाएगा, वो ऐसे ही आ रहा था। इम्प्रोव किया था ना हमने यार, जैसे इन्होंने कहा ना कि वो लोगों की बहुत फटती थी, वो उसी समय समझ गए थे जब इन्होंने कहा कि अब जितनी बार सामने पड़ो कान पकड़ के सॉरी बोलना, और हमारे जो संजय लाल सिंह है वो सॉरी सॉरी बोलती रह गए। अब अगर हम बात करें प्यार मोहब्बत की, क्योंकि एक पॉइंट पे ट्रेलर में सीन आता है कि आप कहते हैं भागना हम चाहते नहीं और एक दूसरे के साथ हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, तीन ऐसी चीजें आप तीनों से हम जानना चाहेंगे कि आप तीनों लोग, अगर आप चाहें तो एक एक भी दे सकते हैं जवाब, अगर आप चाहें तो तीन तीन पॉइंट भी दे सकते हैं, तीन ऐसी चीजें जो प्यार में पड़ने के बाद इंसान को हमेशा याद रखनी चाहिए। याद रखनी चाहिए, यस, मतलब प्यार में पड़ गए हैं, आपके साथ आपका पार्टनर है जिसके साथ आप गोइंग अराउंड कर रहे हैं, तो तीन बातें जो हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए, क्या हो सकता है? शुरू करो, मैं करूं शुरू? हाँ, डॉक्टर साहब पहले आप। पहली चीज, किस वजह से प्यार में पड़े वो वजह याद रख लीजिए, बहुत बढ़िया। अगर आप बड़े हो जाएं, छोटे हो जाएं, जो हो जाएं, यू नो। दूसरी चीज, उनसे क्यों प्यार में पड़े, किसी और से क्यों नहीं पड़े। शाबाश। और तीसरी चीज, आप क्या है वो याद रख लीजिए, भूलिएगा मत, अगर कोई बदल रहा है तो मत। देवांशु सर, हम एक बात तो आपकी बात सुनने के बाद ये जरूर कहना चाहेंगे कि जितना फिल्म के ट्रेलर में आप घुस गए हैं वो देख लिया, उससे ज्यादा लग रहा है हमें कि आपने ऐसे प्यार को घोट के पिया, इतने आसानी से बिना कभी हुआ, मतलब कभी कभार होता है कि कुछ लोगों का ना बेसिक वो अपने जॉब से इसलिए भी नहीं सिलेक्ट हो पाते, उनमें नहीं आते क्योंकि वो ओवर क्वालिफाइड होते हैं। तो जैसा भी आपने जिस हिसाब से प्यार के बारे में बता दिया, और मैडम ने कहा कि भाई अभी तक कोई लड़की नहीं मिल पाई, तो फिर हमें लग रहा है कि शायद आप ओवर क्वालिफाइड है, कुछ जरूर ज्यादा प्यार में अच्छे हैं। शायद प्यार, शायद प्यार मेरा ऐब है। वाह, प्यार में ऐब है। बनता ही नहीं, ऐसा ऐब है बताओ। Anyway, okay. All right. So, Kriti, आप तीन चीजें बताना चाहेंगे जो प्यार में पढ़ने का हमेशा याद रहनी चाहिए इंसान को। हमारे ऋषि भैया सोच रहे हैं अभी भी। हाँ यार, I think सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी चाहिए after we fall in love, कि उस moment को for granted मत लो जिस समय आपने decide करा, या आपके चाहने वाले ने, जो भी आपके partner है उन्होंने decide करा कि आप दोनों साथ में रहेंगे, तो आप उनको फॉर ग्रांटेड कभी मत लेना कि हाँ अब तो ये मेरे साथ है, कहाँ ही जाएंगे। आई थिंक एक दूसरे को वैसे ट्रीट करना जैसे आप पहली बार मिले थे, टू कीप दैट रोमांस अलाइव, टू कीप दैट अंडरस्टैंडिंग अलाइव, टू कीप दैट मैजिक अलाइव, टेक्स वर्क एवरी डे। आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, आपको रोज उस रिश्ते पे काम करना होगा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आई थिंक दूसरी बात ये होगी मेरे लिए, एक्चुअली वॉट ही सेड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप वजह मत भूलिएगा कि इनके साथ आप क्यों हैं, क्योंकि बुरा वक्त सबका आता है, बुरे दिन सबके आते हैं, लेकिन आई थिंक प्यार ईगो से बड़ा होना चाहिए। एंड तीसरी बात ये कि आपकी जीत में उनकी जीत है, लेकिन उनकी हार में आपकी हार है। इट इज नॉट यू अगेंस्ट इट इज यू एंड हिम अगेंस्ट द प्रॉब्लम।
राइट right. हमें लगता है कि Z5 वालों को हम इंटरव्यू लेने वालों से पहले कह देना चाहिए था कि लाइफ जैकेट अपने साथ लेकर आना, कि इतनी डीप बातें भी हो जाएंगी, इतने डीप थॉट भी जानने को मिलेंगे कि बचने के लिए तो जरूरी होगा। अब आते हैं हमारे रिशु भैया पे, हम तो उसी दिन समझ गए थे जबकि नील के बटलर में आपका हाथ होने वाला है जब आपका वो रानी वाली कलाई देखे थे। भैया आपसे यही सवाल हम पूछेंगे, प्यार में पढ़ने के बाद किन तीन चीजों का ध्यान रखना है, लेकिन थोड़ा सा अलग अंदाज में, क्योंकि ये जो अभी आपकी नई पिक्चर आने वाली है और लास्ट पिक्चर जो आपकी आके गई है, इसमें आपका शादी का फेरा बहुत अजीबो गरीब चला है, हम बता रहे हैं काफी भारी पड़े है। हर कोई जहाँ पे भागना पड़ रहा है वहां पर भागे भागे फिर रहे थे आप शादी को लेकर, तो अब तो आप बता ही दीजिए, क्योंकि इसमें आपका जो है लव एट फर्स्ट साइट हो गया है और यहाँ पे तो रैगिंग होते होते मोहब्बत होगी, तो यहाँ भी आप पढ़ते समय लव एट फर्स्ट साइट ही था। अच्छा लव एट फर्स्ट साइट यहाँ पे भी कान तो पकड़ लिए थे लेकिन मतलब घंटी बज चुका था तुझे यार दिल में बजी गिटार, गिटार बज चुका था। लेकिन देखिए मैं मतलब प्यार प्यार के मामले में इतनी प्रोफाउंड चीजें सच में जानता नहीं हूँ, बट पहली चीज मैं कहना चाहूंगा जो दिवांशु ने और कृति ने भी कही कि ये मत भूलिएगा कि आप एक साथ क्यों जुड़े या आप प्यार में क्यों पड़े, वो तो बहुत जरूरी होता है, बट कीपिंग ऑल द प्रोफाउंडिटी एंड फिलोसफी असाइड, बहुत बेसिक बेसिक चीजें मुझे जहां तक लगता है ये है कि पहले तो बता दिया मैंने कि प्यार में क्यों पड़े, दूसरा ये कि मेरा ये प्रैक्टिकल लाइफ से ये मानना है कि प्यार और अट्रैक्शन और ये सारी चीजें एक टाइम के बाद ना गोज आउट ऑफ द विंडो, इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी हो गया, इज्जत होना एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट एंड ऑब्वियसली एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की इज्जत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने अपने घर में यही देखा है कि यू नो इज्जत है तो फिर मतलब आप समझ लीजिए 40 साल मेरे पेरेंट्स लव मैरिज करके एक साथ रह रहे हैं और बड़े खुश हैं, उनको मतलब अब तो ऐसा कि उनको बच्चों की जरूरत ही नहीं है, तो वो बड़े बड़े खुश हैं, इज्जत होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज ये है कि दोस्ती होना बहुत जरूरी है, दोस्ती बरकरार, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हो सकती तो मैं उससे प्यार बताइए दोस्ती होनी भी बहुत जरूरी है, And I think फिल्मी होना भी बहुत जरूरी है प्यार में, फिल्मी होना बहुत जरूरी है। हाँ यार फिल्मों में रोमांस देखा है कभी मरता हुआ, फिल्मों में रोमांस, फिल्मों का रोमांस और वास्तविक जीवन का रोमांस बहुत अलग होता है, ये तो हम समझ गए। तो डायलॉग मारते रहिए ना रोज के रोज, वो हंसेगी तो सही, हंसी तो फंसी। अरे क्या बात है, आज ये टिप हम लेकर जाने वाले हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं दर्शक दीर्घा में बैठे लोग जो ये लोग देख रहे हैं, आपको पहले बता देते हैं कि कुछ टिप्स तो आपको वास्तविक जीवन में रोमांस करने के लिए यहाँ से मिलने वाली, फिल्में में ज्यादा मत देखिए, कुछ इंटरव्यूज भी करा गौर से देखा कीजिए, मतलब कुछ चीजें तो ये इतने ज्यादा अच्छे से बता दे रहे हैं कि हमें लगता है कि मतलब लाइफ में अगर कोई लव गुरु होना चाहिए तो देवांशु वर्मा देता हूँ, इनसे बहुत कुछ जानने को प्यार के बारे में मिलेगा। बस फीवर 104 पे रात के 11 से 2 बजे तक का स्लॉट इनका फिक्स। लव गुरु सेम टोन, मैं बैकग्राउंड्स को दूंगी इसका। डन रहा तो अब यही करना चाहिए, देवांशु सर आपके लिए हम अपनी कंपनी में जरूर बात करने वाले कि स्लॉट आपके साथ होना चाहिए, ना जाने क्या पता हमारे ऑर्गेनाइजेशन वाले नया कुछ आइकॉनिक कार्यक्रम की प्रॉपर्टी है विच इज कॉल्ड बैंड बाजा फीवर, तो अगर प्यार और शादी ब्याह इस तरह से करा सकते हैं तो आपके लिए तो हमारे यहाँ पे एक शो पक्का डन होना जरूर चाहिए, वो भी हम लोग नेशनल कराएं सिर्फ मुंबई। मेरी मम्मी लाठी लेके आएंगे मेरे पीछे, खुद तो शादी करता नहीं है, ज्ञान देता रहता है। ज्ञान देते हैं यार। आपने आपने ये बात खुद बता दिया, अब इससे मेरा एक सवाल आ रहा है दिवांशु जी, एंड दिस इज फ्रॉम यू ओनली, के आपका ये ट्रेलर हमने देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा, एंड आई एम वेरी श्योर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, एंड वही बात है कि ये पिक्चर धड़ल्ले से चलने वाली है, लेकिन जब आपने अपनी मम्मी को अभी तक ये ट्रेलर दिखाया कि नहीं दिखाया? पिक्चर देखे, उन्होंने फिल्म देख ली, उन्होंने फिल्म देख ली है, तो उन्होंने आपसे सवाल नहीं किया, यहाँ पे दो लोगों का तुमने 14 फेरे करा दिया, अपना 7 फेरे कब करने वाली? अरे वो 2.5 साल पहले उन्होंने फिल्म की पहली ड्राफ्ट पढ़ी थी। अच्छा, वो मेरा हर काम पढ़ती है, हर काम देखती है, उनको पुराना क्लाइमेक्स नए क्लाइमेक्स का फर्क पता होता है। हाँ बट लेकिन ये सवाल हमेशा चल रहा है कि भाई इन सब के बीच में तू 1 साल फिल्म मत बना, 1 साल अपनी शादी प्लान कर ले, तो फिल्म में इतना घुस जाता है तू अपनी लाइफ भूल जाता है। सो नाउ हर प्रेयर इज कि ये फिल्म चल जाए और मैं खाली बैठूं 1 साल और अपनी लाइफ प्लान कर। उन्हें क्या पता, मैंने साइन कर ली दूसरी दूसरी साइन कर ली। अरे यार ये तो तकलीफ है। अच्छा ये एक सवाल है
जिसका सामना आज से 2 साल पहले मैं भी कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब घरवाले पूछते शादी कब करेगा, तो मेरा एक ही जवाब होता था कि यार लेट मी थिंक अबाउट माई सेल्फ फर्स्ट, मैं थोड़ा सा और करना चाहता हूँ, मेरे को भी सिर्फ रेडियो किया है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन टू एक्टिंग, मुझे करना है, प्लीज करने दो एंड ऑल दिस थिंग। तो ये कहते कहते मैं बचता रहा, फिर अंत में हुआ कि उन्होंने बोला कि देख ऐसा है कि तू खुद अपनी मुंडी वरमाला में नहीं डालने वाला है, तो तेरी मुंडी हम लोग पकड़ लेंगे, खुद डलवा देंगे। तो कई सारे लोग हैं जो जवाब ढूंढते रहते हैं इस सवाल से बचने के लिए। कृति, क्या जवाब देना चाहिए जो बचना चाहते हैं वाकई शादी से कुछ समय के लिए, नॉट हमेशा बट कुछ समय के लिए, जब उनसे घर वाले पूछ ले कि यार कब करेगा शादी। यार सच्ची बताऊं, आई हैव नेवर हैड टू फेस दैट फैमिली प्रेशर, फॉर्चूनेटली फॉर मी, मेरे साथ कभी ये नहीं हुआ। बट हाँ मैंने जैसे यू नो नॉर्मली जैसे बड़े लोग बात कर रहे होते हैं, बड़ी मासियां वगैरह सब बोल रही होती हैं यार अब जल्दी शादी कर लो, बच्चे, हमारा भी मन है कि हम तुम्हारे बच्चों के साथ खेलें। ये थी यार को बच्चे चाहिए, बताओ वो अभी पैदा करके दे दूंगी, उसका स्ट्रेस नहीं है। सेकंड यू सी दैट दे से हो ये कैसे बात कर रही है, एंड देन आई थिंक दे जस्ट गिव अप ऑन यू। यार कुछ चीजों को इतनी आसानी से बयां कर दे रहे कि यार वाकई लग रही है यार शादी इज अ वेरी टिपिकल। नाउ कमिंग अप टू यू विक्रांत, आपकी इतनी सारी फिल्में वेब सीरीज देख लेने के बाद बड़ी सारी लड़कियां हैं जो कि वाकई चाहती हैं कि भैया अब सेटल होना है तो कुछ विक्रांत जैसे इंसान के साथ सेटल होना है ना। एंड आई एम श्योर आपके इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेजेस में भी बड़े सारे मैसेजेस आते होंगे, आपने कुछ भी पोस्ट किया तो उसके कमेंट सेक्शन में भी ऐसे बड़े सारे मैसेजेस आते होंगे। आपका क्या विचार है शादी ब्याह को लेकर, अभी भी बचना चाह रहे हैं कि अब आपको भी लगता है कि चलो ठीक है पब्लिक पोस्ट करी तो करना चाहते हैं शादी, जब सही समय आएगा तब करेंगे, अभी अभी थोड़ा काम काज कर लें, ऊपर वाले ने मौका दिया है काम करने का। बहुत बढ़िया, ऐसे ही जवाब के में उम्मीद थी और आप एकदम हमारे उम्मीदों पे खड़े उतरे भाई साहब। अब ये वाला पोर्शन तो हम बार बार लोगों को छाड़ के दिखाएंगे, यार पहले खुद के लिए समय देना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आगे की चीजें जरूरी होती जाएंगी। लेकिन अब एक सवाल ऐसा है जो कि आप तीनों से हम चाहते हैं, इसी के साथ हम इसे बंद कर देंगे। आप लोग का बहुत लंबा आज इंटरव्यू ट्रेन चला है, थकान वकान आप लोग को भी काफी हो रही होगी, हम आपके इस दर्द को भी समझ सकते हैं। कुछ ही दिनों में किशोर दा का बर्थडे है, द लेजेंड, एक गाना ऐसा जो किशोर दा का हमेशा आप लोग के दिल के पास है, कभी भी आप उसे किसी भी समय पर गुनगुना सकते हैं। डायरेक्टर्स हैट के साथ देवांशु सर, आप तो पहले ही संजीदा हो गए। कठिन सवाल है, किशोर दा का एक गाना, एक गाना, बस एक गाना। वैसे तो उनकी गानों की कभी मतलब कमी नहीं हो सकती, 50-60 गाने तो आप ऐसे गुनगुना डालेंगे, लेकिन एक गाना जो मतलब किशोर दा का नाम सुनते ही फट से आपके जहन में। वेरी डिफिकल्ट, आप लोग मुझे अच्छा चलो बोल देता हूँ क्योंकि कुछ नहीं नहीं इतना समय ले लिया, बोलना नहीं गुनगुनाना पड़ेगा। किशोर दा की जो ट्रेजिक सॉन्ग्स होते थे उनके, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कंपेयर टू हिज हैप्पी एंड जुडली वाले गाने। तो एक, अब आई एम सॉरी फॉर सिंगिंग ट्रेजेडी, बट वो वाला जिंदगी का सफर है, एक ऐसा सफर को समझाने, ये वाला ये तो जिंदगी का सफर है, ऐसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। मैं ऐसा गा नहीं पाऊं। आप लोग भी एक एक गाना बता देंगे, सुना देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। आई थिंक मुझे ना बॉम्बे टू गोवा के गाने मतलब वो मजेदार रे रख दी निशाने पे जाना, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है बस यही अरमां। अरे वाह, पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं, ठीक है, एक तो विक्रांत मैसी और दूसरा लियो मैसी आफ्टर विनिंग कोपा अमेरिका का ट्रॉफी।
ठीक है, लियो मेसी ने तो नया रिकॉर्ड बना दिया भैया कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर कोपा अमेरिका की ट्रॉफी के साथ अपनी एक फोटो पोस्ट की एंड इट गॉट 20 मिलियन लाइक्स, विच इज द मोस्ट लाइक पिक्चर ऑफ एनी एथलीट ऑन इंस्टाग्राम. और दूसरे हमारे यहाँ पे मेसी साहब तो हैं सर, एक गाना आप भी सुना देंगे तो बेहतर रहेगा. मेरा ना एक बहुत विविड मेमोरी है एक, अच्छा. और वो पड़ोसन फिल्म का है. तो मेरी ना वो जो विजुअल मेमोरी, वो ब्लू दीवार, और मैं बहुत छोटा था तभी, वो दूरदर्शन पे मैं वो फिल्म देखता था, आती थी. तो मेरे सामने वाली खिड़की जो गाना है, मैं बहुत आई वाज रियली स्मॉल, और जब जब वो दूरदर्शन पे वो गाना चलता था और वो जुगलबंदी खिड़की के आर पार चलती थी, मैं बहुत हंसता था, मैं ठहाके लगाता था. तो मेरे लिए तो ये चित्रहार पे आप देखते थे कि रंगोली पे देखते थे? नहीं, मूवी पिक्चर जो आती थी. अच्छा, मूवी मूवी. अच्छा, क्योंकि दूरदर्शन पे चित्रहार रंगोली ऐसी थी जो कि गानों के लिए बहुत ज्यादा छाए रहते थे. मूवी ओके, पिक्चर आती थी तो मैं इतना सा था, बित्ते भर का इतना छोटा था, लेकिन वो जब गाना आता था ना मेरे सामने वाली खिड़की में, पता नहीं मैं इतना जोर जोर से हंसने लगता था. तो मेरे लिए तो किशोरदा की वो एक ऐसी मेमोरी है जो मतलब वो अभी भी, मतलब जैसे किशोरदा का नाम आता है मुझे वो ब्लू दीवार और वो खिड़कियां, वो जो सेट डिजाइन था, मुझे वो सब याद आता है. तो वही एक गाना है. थोड़ा सा मतलब लीटी लीटी लगा सुना देंगे प्लीज. सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है. क्या बात, कतई स्पोर्टिंग. आप लोगों ने अपना समय दिया, इतने दिन भर की थकान के बाद भी इतनी एनर्जी के साथ आप लोगों ने इस इंट्रैक्शन को अपना समय दिया. इट वॉज अमेजिंग. मैं बस यही कहना चाहूंगा कि Z5 पर आने वाली ये 14 फेरे के ट्रेलर को देखकर हम बोले वाह वाह, और अब अपनी मूछों को दे रहे हैं हम ताव, क्योंकि इतना लल्लन टाप इंट्रैक्शन सेशन हुआ विथ विक्रांत, कृति एंड देवांशु, एंड इट वॉज वंडरफुल एंड इट वॉज अमेजिंग टू हैव यू गाइस राइट नाउ राइट हियर. बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से. दिस वाज माय फैन बॉय मोमेंट, बिकॉज मैं सीरियसली बताऊं, मैं आपका 104 पे मैं सुनता हूं जब जब मौका मिलता है, गाड़ी में रहता हूँ. और वो जो जिंगल है आपका, नाम है सिद्धू. सो इट बेसिकली गोज लाइक दिस. अगर प्लीज आप लोग इसमें मेरा थोड़ा सा साथ दे देंगे तो बहुत अच्छा है. इट बेसिकली गोज SIDHU, नाम है सिद्धू. सो आई विल गो SIDHU, नाम है सिद्धू. अगर आप दे देंगे तो मुझे बहुत फील आ जाएगी. बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग दैट आई एम सिटिंग एट माय होम एंड आई एम मिसिंग माय स्टूडियो वाइब सो बैड कि मेरी क्रिएटिविटी को जंग लगने वाला है. लेट्स गो फॉर इट. SIDHU, नाम है सिद्धू. भाई वाह, क्या बात है. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. इट वॉज वंडरफुल एंड अमेजिंग टू हैव यू गाइस ऑन द शो. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 14 फेरे. एंड बस यही कामना, यही उम्मीद है कि 14 फेरे रिलीज हो जाने के बाद एक बार फिर मौका मिलेगा आप लोगों से बात करने का, फिल्म को एक बार फिर से इस सोशल मीडिया के जरिए सेलिब्रेट करने का. थैंक यू सो मच. Thank you so much for having us, Sidhu. Thanks a lot. Stay safe. My pleasure. Take care. All the best. Bye. Stay safe and stay lalanta. Bye bye. You too. Stay lalanta. Thank you. Tanatan. Fever.